हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 10 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मना रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अभी हमारे जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दमोह। इसके अलावा प्रहलाद जोशी वो हैं हमारे संसदीय मामलों के मंत्री और खनन के मंत्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग। ये इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। इसके अलावा हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने एक वेबिनार भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड इन इंडिया। और पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है देखो अपना देश। ये बात भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो माइकल मार्टिन हैं वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिसकी राजधानी है डबलिन। देखिए, इसके अलावा आप जानते हैं कि आयरलैंड का नॉर्दर्न पोर्शन यूनाइटेड किंगडम के पास है, इसको कि हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसकी राजधानी है बेलफेस्ट। ये बात भी आप ध्यान रखिए। माइकल मार्टिन से पहले जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लियो बोराल्टकर। ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 49वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, यदि इंग्लिश में बोलें तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की 49वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिए कि 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर किस स्टोर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने स्टोर का उद्घाटन किया है ट्राइब्स इंडिया। किसका उद्घाटन किया है? ट्राइब्स इंडिया। देखिए, अब जो अर्जुन मुंडा जी हैं इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो खूंटी झारखंड, खूंटी कहाँ पड़ती है, झारखंड में। इसके अलावा ये अर्जुन मुंडा जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिए। और अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। इसके अलावा ये भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जनजातीय मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम था गोल। गोल की फुल फॉर्म भी है, जी से हो जाएगा गोइंग, ओ से हो जाएगा ऑनलाइन, ए से हो जाएगा एस, एल से हो जाएगा लीडर। इसके अलावा आप जनजातीय की बात आ रही तो बिहार एक पहला राज्य है इंडिया का जिसने जनजातीय महिला पुलिस का गठन किया है और इनको नाम दिया गया है स्वाभिमान वाहिनी, ये बात भी आप ध्यान रखिए। बाकी इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइब्स इंडिया। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांता चंद्र महालनोबिस, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। और इस बार जो जयंती मनाई गई है उसकी जो थीम थी वो थी गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी। इसके अलावा जो हमारे सांख्यिकी मिनिस्टर हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुड़गांव। अब देखिए, जो वर्ल्ड में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। सबसे पहले 2010 में मनाया गया था, फिर 2015 में, और अभी 2020 में, कब 20 अक्टूबर को मनाएंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों की एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नितिन मेनन। सही आंसर क्या हो जाएगा? नितिन मेनन।
अब ये एलिट पैनल यानी कि ये वहां पर एम्पायरिंग करने ही वाले हैं, उनमें इनका नाम शामिल किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिए, इससे पहले भारतीय एम्पायर एम्पायरिंग करने वाले आईसीसी में हैं। दो एम्पायर थे इससे पहले, उनके नाम थे क्या थे, सुंदरम रवि पहले थे और श्रीनिवास वेंकट राघवन दूसरे थे। अब ये नितिन मेनन तीसरे नंबर के होंगे, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की पहली थर्ड एम्पायर वूमेन जिनका नाम है जैकलिन विलियम, ये नाम भी आप ध्यान रखिए, जो कि वेस्ट इंडीज की थी। अब एम्पायर की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात भी कर लेते हैं। दो महिलाएं एम्पायर रही हैं इंडिया की, ठीक है। तो इनके नाम क्या हैं, बिरिंदा राठी और जर्नी नारायण, ये इनके नाम हैं। इसके अलावा एक बुक भी लिखी गई है एक एम्पायर के द्वारा, उसका नाम भी आप ध्यान रखिए। देखिए जो एम्पायर हैं उनका नाम है साइमन टॉफल और बुक का नाम है फाइंडिंग दी गैप्स, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली लगाने के लिए रेलटेल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6,049 रेलवे स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। देखिए ये आपने सुना इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी, तो ये देखिए कैमरे तो अभी लगे रहते हैं लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी जिससे कि ये फुटेज जल्दी से जल्दी स्टोरेज के लिए जहाँ भी पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकती है, यानी कि इसका फेयर यूज बहुत जल्दी हो सकता है। इसके अलावा इंडियन रेलवे का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा है भुवनेश्वर में। इसके अलावा जो चितरंजन इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडियन रेलवे की, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने 431 इंजन बना दिए रिकॉर्ड 292 दिनों में, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने अपनी श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई थी, कहाँ से, लिंगम पाली से हटिया तक, जो कि लिंगम पाली है तेलंगाना में और हटिया है झारखंड में। इसके अलावा एक और बात भी ध्यान रखिए, इंडियन रेलवे ने अपनी फर्स्ट ट्रेन का ट्रायल किया है डबल स्टॉक कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर रहेगा उसके ऊपर दूसरा कंटेनर रहेगा, ऐसी ट्रेन का ट्रायल किया है और ये किया है पालमपुर टू बोटाद जो कि गुजरात में है। इसके अलावा चलिए आप इतना ही ध्यान रखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RSWM लिमिटेड ने किस ब्रांड के तहत एंटी कोरोना वायरस कपड़े बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के हैक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मयूर, मयूर ब्रांड के साथ ये एंटी कोरोना वायरस कपड़े बेचने वाले हैं। इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है वो इंडिया के साथ पार्टनर है बायो एशिया समिट, जिसका कि सम्मेलन समिट ये सम्मेलन या फिर समिट होने वाला है कहाँ पर, हैदराबाद में। इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है उसकी राजधानी है बर्लिन और स्विट्जरलैंड में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है मोनिका कपल मोहता, ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, फीफा की नियामक परिषद ने विश्व फुटबॉल की मदद करने के लिए सर्वसम्मति से कितने अरब डॉलर का कोविड-19 रिलीफ फंड जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 अरब डॉलर। इसके अलावा फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक में, जूरिक एक जेवर एयरपोर्ट भी बना रहा है इंडिया में, ये बात भी आप ध्यान रखिए, और जो इसके हेड हैं वो हैं जेनी इन्फेंटिनो, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, लार्ज रूस चकबेरा ने किस देश के द्वारा कराए गए, ये दोबारा होगा, द्वारा नहीं दोबारा होगा, चुनाव में जीत हासिल किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मलावी। इसके अलावा एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने मलावी को लोन भी दिया है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है जिससे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। देखिए अभी अमेरिका में आपने देखा होगा जो अश्वेत लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किए थे, कई सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया था, ये किस वजह से हुआ था, एक इंसान थे जॉर्ज फ्लॉयड जिनकी की एक पुलिस वाले ने गर्दन नेक पर पैर रख के हत्या कर दी थी, तो उसी के चक्कर में ये हुआ,
तो यूएसए को ये आदेश पारित करना पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, यानी कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे 90 नंबर के प्रधानमंत्री, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कब से कब तक थे? 1991 से 1996 तक। ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि 28 जून को इनकी जयंती थी, किनकी? पीवी नरसिम्हा राव जी की, जो कि हमारे 90 नंबर के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने 1 जुलाई को किल कोरोना अभियान चलाया था? किसमें चलाया गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चलाया गया था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में भोजताल है, बड़ा तालाब है, छोटा तालाब है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। किस बैंक ने TDRES मंच पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना की है SIDBI ने, SIDBI। इसके अलावा SIDBI ने एक ट्रेन भी चलाई थी लखनऊ से वाराणसी तक। लखनऊ से क्यों चलाई थी? क्योंकि लखनऊ में SIDBI का हेडक्वार्टर है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना हाल ही में भारत में कितने सर्वाधिक प्रभावी जिलों में शुरू की गई है? तो ये 272 जिलों में शुरू की गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसको चलाता कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको चलाता है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब है, इस चक्कर में वो छुट्टी पर हैं, तो आनंदीबेन पटेल को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और ये इसके अलावा इंडस्ट्रीज में मदद करने के लिए, जो कि 50 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करते हैं, उनके लिए महापरवान नाम का एक योजना भी शुरू की है। किसने? महाराष्ट्र में। राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इस कॉन्क्लेव का इन्होंने उद्घाटन किया है गुजरात में। इसके अलावा जो आयुष मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव के, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा, श्रीपद नायक हैं उसके मंत्री। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आया होगा। देखते रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।